अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से बेसिक टर्म्स और डिफरेंसेस, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। ये टर्म्स में क्या से क्या मुराद है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है? इफ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर, इज कोवलेंटली बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड विद एंजाइम। ठीक है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना के मजबूती के साथ वो जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरी लाइन आप क्या लिख सकते हैं, इन दिस कोफैक्टर मेक स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद एंजाइम। ठीक है, इसमें जो है वो एंजाइम के साथ वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाता है, और मोस्टली ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में। उसके बाद अगर हम कोएंजाइम को देखें तो वेरी सिंपल, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, तो उसको हम को एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, जैसे कि लूजली अटैच्ड है तो ये कौन सी लिंकेज बनाएगा? इट फॉर्म्स वीक लिंकेज विद एंजाइम। ये एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं। ओके, ये स्ट्रॉन्ग लिंकेज और ये वीक लिंकेज। मोस्टली जो हमारे वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स ये एक्ट एज को एंजाइम। ठीक है, ये एज ए को एंजाइम यूज होते हैं। अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो रेस्पिरेशन में दो बड़े फेमस कोएंजाइम हैं जो यूज़ होते हैं, एक एनएडी निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों एग्जांपल्स आती हैं कोएंजाइम में। इसी तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप में, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है बिटवीन को फैक्टर, इनके नॉन प्रोटीन फैक्टर्स, वो क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग लिंकेज वाला वो है हीम ग्रुप। ठीक है, हीम ग्रुप जो हेमोग्लोबिन के अंदर होता है, जो ब्लड को, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन, उसको हम हीम ग्रुप बोलते हैं। और हीम ग्रुप के अंदर बेसिकली आयरन मौजूद होता है, Fe आयरन, जो क्या करता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ। और उसके बाद जो है ये ग्रुप इस परमानेंटली उसमें मौजूद रहता है, एंजाइम भी वहाँ पे होते हैं, तो इस लिंकेज में जो आयरन है वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज बना के ये एक ग्रुप बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो दीज आर दी टू टर्म्स दैट रिलेटेड टू अटैचमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स, जिसकी बुनियाद पे हम एंजाइम की को फैक्टर के साथ, नॉन प्रोटीन फैक्टर के साथ लिंकेज को डिस्क्राइब करते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपो एंजाइम वर्सेज होलो एंजाइम।